हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति वर्ग और आरंभिक समाज। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर के बेस पे या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के बेस पे हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम ब्रीफली पूरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। चलिए बच्चों, तुम नया क्वेश्चन लेके आए हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इन चुनौती की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या किया? अब आते हैं ब्राह्मण लोगों ने इन चुनौतियों के जवाब में आचार संहिता बनाई, जिसका पालन ब्राह्मणों को विशेष रूप से और बाकी समाज के सभी को इसका अनुसरण करना होता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों का संकलन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसे सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति मानी जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार महाभारत एक समालोचनात्मक संस्कृत संकरण और एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई, स्पष्ट कीजिए। आंसर ये है कि वी एस सूर थकर ने नेतृत्व में 1919 में महाभारत समालोचनात्मक संकरण तैयार किया गया। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती थी, क्योंकि इस परियोजना पूरा होने में 47 साल यानी 47 ईयर्स लगे थे। देश के अलग अलग भागों में विभिन्न लिपियों को लिया गया और उसमें आपस में जितनी पांडुलिपियां थी उनको एकत्रित करके आपस में जोड़ा गया और इन श्लोकों का चयन किया गया, लगभग सभी पांडुलिपियों में थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी पद्धति में स्त्रियों का गोत्र निर्धारण किया जाता था। कैसे किया जाता था? दो गोत्र नियम थे। पहले, विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पिता की जगह पति का नाम माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय के सामाजिक जीवन को किस तरह जटिल बना दिया? इस काल के नगरों के उद्भव के कारण सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ से दूर लोग आकर बसने लगे, वस्तुओं की खरीद फरोश होने लगी, नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लग गए। अब आता है सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथों की भूमिका स्पष्ट बताइए। संस्कृत ग्रंथों में समाज के नियमों की जानकारी मिलती है। लोगों को जीविका यानी जो जीवन कैसे बिताते हैं, व्यवहार कैसे होता है, आदर्श की जानकारी प्राप्त होती है। विवाह के नियम भी, संपत्ति के अधिकार, आचार संहिता की जानकारी भी मिलती है। संस्कृत ग्रंथ से मिले साध्य ऐतिहासिक रूप के लिए इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए और इसी की सहायता से इतिहासकार पुनर्निर्माण करना आसान हो पाया है इनके लिए। अब आता है मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रतिक्रियाओं की झलक किस प्रकार देते हैं? मंदसौर यानी कि जो मध्य प्रदेश से इस अभिलेख मिला है, जिसका रेशम के बुनकारों को श्रेणी का वर्णन मिलता है, यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं के झलक को देता है और यह श्रेणी के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी, लेकिन कुछ भी सदस्य अन्य जीविका से भी अपना लेते हैं। अब आते हैं मनुस्मृति में वर्णित चांडालों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। गांव से बाहर रहना, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनना और लोहे के आभूषण का पहनना। महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, क्यों? तीन तर्क देकर समझाइए। समाज में प्रतिसत्तात्मकता थी, समाज पुरुष प्रधान था, पुरुषों को ही पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था, पिता के बाद संसाधन का पुत्र पर अधिकार होता था, प्रतिवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था। महाभारत के बाद में प्रख्यात इतिहासकार मैरिस विंटरनीज की राय क्या थी? मैरिस विंटरनीज के अनुसार महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रंथ भारतीयों की आत्मा की गहराइयों को एक दृष्टि प्रदान करता है। इसमें समाज के नियमों को जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में केवल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष की चर्चा नहीं, बल्कि इसमें नैतिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। महाभारत के मूल वह प्रचलित लेखक कौन थे, व्याख्या कीजिए। महाभारत के मूल प्रचलित लेखक भाटसारथी हैं। पूछा जाता है कि महाभारत के मूल लेखक कौन है, तो वो है भाटसारथी। इन्हें सूत भी कहा जाता है। ये दक्षिणी योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेरण मौखिक रूप से होता है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा का परंपरा अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। महाभारत कालीन समाज में विवाह से संबंधित कोई तीन नियम बताइए।
गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था। इसे बहुविवाह पद्धति भी कहते हैं। कन्यादान पिता द्वारा महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदल दिया जाता था, वो अपने पति पिता के स्थान पर पति का गोत्र प्राप्त करती थी, उसे माना जाता था। वर्णित काल की जाति व्यवस्था कोई तीन विशेषता बताइए। वर्ण की तरह जाति भी जन्म का आधारित है। वर्ण की वर्ण व्यवस्था चार लेत थी, लेकिन जातियों की कोई भी निश्चित संख्या नहीं थी। जहाँ कहीं वहीं ब्राह्मणों का समान एवं नए समुदाय से हुआ, जिसे वर्ण में समाहित करना संभव नहीं था, उन्हें जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया। अब आते हैं, क्या महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति पर समान अधिकार रखते थे? तर्क सहित समझाइए। महाभारत के समय में स्त्री और पुरुष संपत्ति पर भिन्न अधिकार रखते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक अनुदाय माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में बराबर रूप में बांट दिया जाता था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को भाग का अधिक अधिकारी माना जाता था। स्त्रियों को इस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु विवाह के में मिले उपहार, जो स्त्री धर्म कहलाता है, उस पर स्त्री का अधिकार होता था। आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत में गतिशील ग्रंथ है? अपने इस तर्क के उत्तर के स्पष्ट में कोई तर्क दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था, क्योंकि इसमें विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों तक इसमें पठांतर अलग अलग भाषाएं में लिखे गए अनेक कहानियां को इसमें समाहित किया गया। और इस महाकाव्य की मुख्य कथा, जिसमें अनेक पूर्ण व्याख्याएं की इसमें प्रसंग को मूर्तिकला और चित्रों से भी दर्शाया गया है। वर्णित काल की वर्ण व्यवस्था की कोई विशेषता बताइए। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को दैविक व्यवस्था बताया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चार वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को वर्ग व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त किया गया है। चौथा वर्ग जो जीवित जीविका पहले से निर्धारित की गई है। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? महाभारत के एक ही गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? नहीं, यह संभव नहीं है। महाभारत एक रचयिता नहीं हो, क्योंकि यह लगभग 1000 वर्ष तक लिखी गई है। महाभारत एक मूल रूप कथा रचयिता भाटसारथी है, लेकिन इसके बाद भी कई ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया, और इसकी रचना में महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं रही, से अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। इसका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में किया गया है। महाभारत भिन्न भिन्न कहानियों के समाहित किया गया। इसमें कहानियों पत्थरों, मूर्तियां, चित्रकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाभारत की कथाओं को नाटकों, नृत्यों, भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। रचना में लंबे समय तक होती रही, लगभग समय इसके रचयिता भी अलग अलग होते रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि यह महाभारत एक गतिशील ग्रंथ भी है। भारत के प्रमुख महाकाव्य महाभारत की मूल विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आता है। महाभारत एक प्राचीन नाम पर संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 100,000 से अधिक श्लोक हैं। इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक अलग अलग भाषाओं में होती रही है। इसके मूल रचयिता भाटसारथी हैं, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता है। महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। महाभारत के उस समय के सामाजिक नियम, वर्ण व्यवस्था, आचार संहिता, नैतिक कर्तव्य मूल जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में पांडवों कौरवों के बीच में विवाह के बारे में विस्तार से बताया गया है, विवाद जो उनका था। ब्राह्मणों प्रारंभ में इनकी मूल कथा भाटसारथी द्वारा रची गई, लेकिन बाद में इसे कई ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। बंधुत्व परिवार क्या है? थोड़ा सा मेन टॉपिक से जो है, परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, विभिन्न प्रकार के परिवार होते, एक दूसरे से उनका रिश्ता क्रियाकलाप अलग अलग होता है। एक ही परिवार के लोग भोजन अन्य संसाधनों को आपस में बांट कर इस्तेमाल करते हैं। लोग जो अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, वे परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था, इन्हें संबंधी कहा जाता है। इनके लिए जाति समूह शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ परिवारों में चचेरे, मौसेरे, भाई बहन, खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इसमें समाज में ऐसा नहीं था। विवाह के नियम क्या थे? विवाह 8 प्रकार के होते थे। बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा थी। अब आता है अंतर्विवाह पद्धति क्या है। एक गोत्र के एक जाति के एक ही व्यवस्था से बसने वाले लोग विवाह बहुविपत्ति व्यवस्था, एक साथ बहुपति होता है, जिसमें एक से ज्यादा पति होना, बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नी होना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सभी सही माना जाता था। पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। कन्यादान से जो सम्मान मिलता था उस पे पुत्री का विवाह, उसका उसमें पुत्री का अधिकार होता था। ठीक है,
कभी कभी चांडाल के बारे में पूछा जाता है, तो चांडाल मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। चांडालों को वर्ग व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर रखा जाता था। ब्राह्मण चांडालों का छूना देखना भी अपवित्र मानते थे। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू।